Yes, we are doing linear equation of second order. जो standard form है कल हमने जो किया था उसको थोड़ा सा revise कर लेते हैं. Standard form d2y over dx square plus p dy dx plus qy is equals to r. इस standard form में यदि हमारी equation है तो हम उसको linear equation of second order बोलते हैं. यहाँ पर p, q, r कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x होंगे. कांस्टेंट हो तो हम फर्स्ट ईयर में, प्योर कांस्टेंट हो तो हम इसको फर्स्ट ईयर में सॉल्व कर चुके हैं. यहाँ पे भी हम रूपांतरित करके प्योर कांस्टेंट में लाने की कोशिश भी करते हैं आगे मेथड में. यदि हमारे फंक्शन ऑफ x के रूप में कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x के रूप में है तो ये अभी हमारे सिलेबस में है. इसके सॉल्यूशन का जो तरीका है उसमें हम दो तरीके हैं. एक स्टैंडर्ड तरीका है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसमें लिखा हुआ आता है एग्ज़ाम में, उसके लिए आपको कुछ याद नहीं रखना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं. और बाकी यदि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स लिखा हुआ नहीं आए, इस मेथड से हल करना यदि लिखा हुआ नहीं आए तो हमारे पास दो मेथड हैं. वाई इज इक्वल्स टू यू डॉट वी, इसका हम एक सॉल्यूशन मानते हैं. एक मेथड ये, एक हम मेथड आगे पढ़ेंगे जिसमें हम इसको कांस्टेंट पी क्यू आर को कांस्टेंट में बदलने की कोशिश करेंगे, एक्स को किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलकर. एक्स को किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलकर हम पी क्यू आर को कांस्टेंट में लाने की कोशिश करेंगे. एक मेथड वो, और एक मेथड है आपका वाई इज इक्वल्स टू यू इन टू वी. y इज इक्वल्स टू यू इन टू वी वाले मेथड को यदि हम देखें तो u या तो हमें दिया हुआ हो सकता है इसमें, और या फिर हमें u को पता करना होगा. u को पता करने का हमारा बाई इंस्पेक्शन, दो मेथड हैं u को पता करने के. बाई इंस्पेक्शन कर लें आप या फिर एक फॉर्मूला लगाकर कर लें. तो फॉर्मूला लगाकर जो करना है उस सवालों को हम बाद में लेते हैं. पहले जो हमने कल रिवाइज किया था उन्हीं सवालों को वापस से देखते हैं कि यदि मैं इसको बाय इंस्पेक्शन करना चाहूँ तो कैसे करें. बाय इंस्पेक्शन के लिए आपको ये चार पांच स्टेप्स या फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो यू इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर एक्स, उसका एक सॉल्यूशन होगा. 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो u इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज़ टू द पावर x, इसका सॉल्यूशन होगा. इसी तरह से बाकी के जो ये फॉर्मूले हैं इनको आप ध्यान में रखें तो ये आपका u को निकालने में सहूलियत करता है. यदि इनसे u नहीं निकल रहा है, इनमें से कोई एक फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द फॉर्मूला बेसिक जो हम आगे पढ़ेंगे. u के लिए जो स्पेशल फॉर्मूला है उसको निकाल कर उसको हम यहाँ पर आगे देखेंगे. एक सवाल किया था हमने पिछली बार, x डी टू वाई माइनस टू एक्स माइनस वन डी वाई प्लस एक्स माइनस वन वाई इज इक्वल्स टू जीरो. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सेकेंड ऑर्डर में है आपके पास. यहाँ डी टू वाई साफ दिख रहा है, डी वाई और जो है वो लीनियर इक्वेशन के रूप में है. ये तो सेकेंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन है हमारा, जिसके पी, ये p का जो साइन है वो माइनस इसके साथ गिना जाता है, 2 माइनस 1 अपॉन एक्स इसी के साथ रहेगा. q ये साइन समेत गिना जाएगा, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो ये इसको आप q गिन लीजिए. राइट हैंड साइड में कुछ है नहीं, जीरो है तो वो उसको r में गिन लेंगे. यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये p 1 प्लस p प्लस q को आप जोड़ें तो ये जीरो बन जाएगा और u इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर x हमारा एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा. तो हम इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू यू की जगह लिख देंगे ई रेस टू द पावर एक्स इन टू वी. और v को अब हम निकालने के, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इस इक्वेशन में आप ये पुट करते हैं तो कल भी मैंने बताया था आपको कि y इज इक्वल्स टू यू इन टू वी जब आप पुट करते हैं तो ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. यू हैव टू सी दैट जो हमारे इक्वेशन है डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर,
किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस टू अपॉन यू डी यू डी एक्स इन टू होल गुना डी वी डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यू। पी क्यू आर तो ऊपर हमने निकाल रखे हैं, पी क्यू आर तो क्यू आता ही नहीं है इसमें, पी और आर तो हमने ऊपर निकाल रखे हैं और यू आपने निकाल लिया है जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है वो डी यू डी एक्स, इसका यू का डेरिवेटिव यहाँ रखना पड़ेगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है, डी टू वी प्लस ये हमने सॉल्व किया करके निकाल लिया था, इसको पूरा सॉल्व भी कर लिया था हमने, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को यहाँ एक और स्टेप आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पी स्मॉल पी बराबर क्या मान लीजिए, एक वेरिएबल स्मॉल पी बराबर क्या मान लीजिए आप, डी वी डी एक्स मान लीजिए, पी की जगह कुछ भी मान सकते हैं, बुक्स में आपके ज़्यादातर जगह ये पी माना हुआ होता है, तो ये हमने इसको पी लिख लिया है, डी पी डी एक्स इज प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी बन गया, ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल का पार्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन बन गया ये, इसको सॉल्व करने के इंटीग्रेटिंग का तरीका है हमारा, पी को वापस हम डी वी डी एक्स पुट कर देंगे तो फिर ये अगेन एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन बन गया और इसको हमने दो बार सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे दो कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब साफ आपको पता है कि ये दो बार सॉल्व किया गया है। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू डी टू y माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना होगा, पुट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करने के लिए सबसे पहले डी टू वाई वाले को लिख लेते हैं, तो ये x माइनस वन इसी को मैं पॉजिटिव भी बना रहने देता हूं, डी टू वाई एक्स माइनस वाई दिस ये बन गया, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का x डी वाई और y भी उधर जाएगा प्लस y और बाकी की जो टर्म बच रही है उसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ये x माइनस वन है और ये भी x माइनस वन का माइनस एक्स प्लस वन से गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा और चूंकि इसको ये इधर लेना है अपने को, साइड बदलनी है, तो ये कुल मिलाकर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका। ये बनाया, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और करके इसको आप ऐसे लिख दीजिए, डी टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन डी वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास बच गया ये एक्स माइनस वन। यहां पी आपका ये है, ये क्यू है और ये आपका आर है, पी क्यू आर की फॉर्म हमने निकाल ली, यहां आप पी देखें तो ये माइनस एक्स और x माइनस वन है, q देखें तो ये वन अपॉन x माइनस वन है, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कुछ फॉर्मूला लगाने से ये शायद मीट आउट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगा, तो यहाँ देखें आपके हियर p इज इक्वल्स टू q को x से गुणा कराकर जोड़ें p को तो ये जीरो बन जाता है, सो u इज इक्वल्स टू x इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। Also put so solution is given by y is equals to x into v, u की जगह हमने क्या रख दिया, x रख दिया यहां पर, और also let and letting, और ये भी आप यहीं ले लीजिए,
कि क्या लेना है हमारे को, स्मॉल पी इज इक्वल टू क्या ले लें, डीवी डी एक्स ले लें। इसको बाद में लेते हैं, चलो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इसके बाद इसको यहीं से लेना शुरू कर देंगे। ये क्या बनाएगा मेरा इक्वेशन, डी टू वी में बनेगा, क्योंकि वाई को हमने वी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आपको याद रखना है, मैं यहाँ वापस से लिख देता हूँ, प्लस इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा जाएगा, डी टू वी, यदि ये पुट करते हैं आप तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है, कैपिटल पी प्लस टू अपॉन यू इंटू डी यू डी एक्स और इंटू होल गुणा कराते हैं डी वी डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यू। नेक्स्ट इनके मान रख देते हैं, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी की जगह आप पूरे साइन समेत यहां से हम लेंगे माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन यू, मीन्स आपका क्या हो गया, टू यू तो है आपका एक्स और डी यू डी एक्स, यू एक्स का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, यहां पर हमने ये पुट कर दिया इंटू डी वी डी एक्स इज इक्वल टू आर, क्या है आपके पास एक्स माइनस वन है, यहां पर पहले वाले सवाल में जीरो था तो हमने जीरो पुट किया, यहां पे ये एक्स माइनस वन है अपॉन यू दैट इज योर एक्स। ये मेरा एक वो बन गया है, इसको आप देखें तो ये क्या है, इट इज इसको ऐसे ही अलग अलग ही रहने देते हैं, मिक्स करने से आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। यहाँ पे आप अब आप ये जो स्टेप है आप यहाँ पर इंक्लूजन करवा दें इसका, कि डी वी डी एक्स इज इक्वल टू हम पी लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा डी पी डी एक्स प्लस, इसको आप ऐसे ही रहने दें, अभी हमारे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो थोड़ा सॉल्व आसानी से रहेगा, एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स, इसका भी अपन चाहते तो यहां एक छोटा सा स्टेप और यही इंक्लूड कर देते, डीवीडीएक्स इंटू डीवीडीएक्स की जगह पी लिख देंगे, ये स्मॉल पी है इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को आपने सोल्व कर रखा है, p की जगह यदि y होता तो ये सिंपल इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो p और y से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जस्ट वेरिएबल हैं, तो p की जगह y की जगह p हो या p की जगह y हो तो हमारी इक्वेशन कोई बदलती नहीं है, वेरिएबल केवल वेरिएबल बदला हुआ है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। तो आप देखिए हमने इस इक्वेशन को जो हमारा सेकंड ऑर्डर का था उसको हमने फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, केवल किस तरह से y इज इक्वल टू यू वी पुट करके, u को हमने निकाला, u का मान था x, v अब हम निकालने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं हमारे, इसकी ऑर्डर भी कम होता जा रहा है और हमारा सॉल्यूशन की तरफ भी हम आते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अभी अपन ने रिवीजन किया था, जब भी देखा था आपने फर्स्ट ईयर में इसको कर रखा है, यू नो इट, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन दिया जाता है, सॉल्यूशन जो आएगा वो उसके पार्ट में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेस टू द पावर, ये जो वेरिएबल है वाई का जो टर्म है इसको हम पी मानते थे यहाँ पर, ये पी डी एक्स, यहाँ पर पी और वो पी अलग है, तो इस का कॉफिशेंट पूरा का पूरा यहाँ ले लेते हैं इंटीग्रेटिंग, दिस इज योर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है, इसको सेम डिग्री में यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन यदि मैं करना चाहता हूँ
तो चूंकि ये सेम डिग्री के हैं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका माइनस वन माइनस, एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा और बच जाएगा माइनस का वन वापस, अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालते थे, तो टू अपॉन एक्स तो एज इट इज है हमारे पास, ये माइनस एक्स ये जो टर्म है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये सेम डिग्री की टर्म होती है, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे लगेगा, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लें, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो रेज करें। तो ये यदि आप देखें तो इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, माइनस वन का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर माइनस वन का एक एक का इंटीग्रेशन करते चलते हैं, माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन हो जाएगा, और प्लस इसका इंटीग्रेशन जो है प्लस का है तो टू इंटू लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन कर दिया है मैंने, है ना, माइनस वन का ये, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का ये, और प्लस टू अपॉन एक्स का ये। चूंकि आप जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये लॉग की जो टर्म है वो कैंसिल हो सकती है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देते हैं, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स तो रहेगा और लेकिन ये जो टर्म है वो माइनस में नीचे चली जाएगी आपकी एक्स माइनस वन, और ये जो टर्म है आपका एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, ये जो टर्म है आप देखें इसको थोड़ा सा ध्यान से, तो ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। इस इक्वेशन का ये जो मेरी इक्वेशन है, या मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये पहली मेरी इक्वेशन थी जिसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बनी मेरी, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। फिर ये तीसरी जो इक्वेशन है उसको आप नंबर लगा दीजिए थर्ड, ये लीनियर इक्वेशन बनी थी, इस लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया है हमारे पास, इस लीनियर इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्री विल बी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्री इज गिवन बाय आपको मैं याद दिला दूं, ये जो लीनियर इक्वेशन होती है थी आपकी डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो होता था ई रेस टू द पावर पी डी एक्स, और सॉल्यूशन कैसे लिखते थे इसका हम, सॉल्यूशन इज गिवन बाय वाई में है तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और डी एक्स तो इंटीग्रेशन के साथ लगेगी, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखते थे हम, ये जो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और इसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऊपर निकाल रखा है, अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ये हम सीधा यहाँ लिख रहे हैं, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये स्टेप मैंने बीच में आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। हमारे पास ये जो वेरिएबल है यहाँ पर वो पी है, पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू हमारे पास है दैट इज ये वन अपॉन एक्स माइनस वन, क्यू है आपका